हमारे सभी नेता आ चुके हैं, मैं दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ चुका है। ये केवल जलाना जानते हैं, ये केवल काटना और बांटना जानते हैं। नोटबंदी किए 125 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए। ये जीएसटी लाए, व्यापारी आत्महत्या करने लगे। ये 370 और 35 लाए, कश्मीर में ताला लग गया। आज इन्होंने कैब लाया, पूरा सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट जलने लगा। अब ये एनसीआर पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग जान देना जानते हैं। देश के एकता और अखंडता के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दी, इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। आज इस रैली के माध्यम से पूरे देश को यह संदेश देना है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और उसके नेता राहुल गांधी हैं। हम सब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसान विरोधी है, ये व्यापार विरोधी है। इन्होंने राज्यों को सताना बंद शुरू कर दिया है, जीएसटी का पैसा देना बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को हम समर्थन मूल्य 2500 रुपया देना चाहते हैं, उसमें रोक उन्होंने लगाया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां किसानों को 2500 रुपया मिला। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में कोई किसान आत्महत्या नहीं किया पिछले साल। और यह भी नरेंद्र मोदी जी रोकना चाहते हैं किसानों को पैसा देना, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था न्याय होगा। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय होगा और 2500 रुपया उसके जेब में जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय सुरजेवाल जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया।